यूपी के बहराइच में आज दर्जनों समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल का एक संबोधित ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा। उनका कहना है कि लगातार यूपी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दरें बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, महिलाओं बहन बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, जिसको लेकर वह आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंप रही हैं। बहराइच से रफीकुल्ला खान की रिपोर्ट। कलेक्टर तो सरने भी मौजूद है, आप लगातार लाइव तस्वीरों को देख रहे हैं। जो महंगाई चरम सीमा पर है, महिला बलात्कार, गैंग रेप, आए दिन महिलाओं की हत्या, देश हत्या, महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। किसी भी तरह से महिलाओं को वो नहीं है। इस भाजपा सरकार में पूरी तरह कानून गुंडा राज कायम हो गया है, पूरी तरह भ्रष्टाचार कायम है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के बल पर, गुंडों के बल पर यह सरकार चल रही है और यह सरकार महिलाओं का अनदेखा कर रही है, राजनीति में उपेक्षा कर रही है और शिक्षा में उपेक्षा कर रही है, हर चीज में उपेक्षा महिलाओं की कर रही है। तो हम महिलाओं ने ये ठाना है कि अब भाजपा सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है और इसके खिलाफ हम जंग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे। अगर ये लोगों ने बाज नहीं है, हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं किया, पूरी तरह से महिला हमारी गैस सिलेंडर पूरी चरम सीमा पर हो गया, तेल और डीजल पेट्रोल सब महंगाई हो गई है, जनता त्राही त्राही कर रही है, आम जनता खून के आंसू रो रही है। उज्ज्वला योजना के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा किया गया है और महिलाओं के साथ पूरी तरह से ये सरकार धोखा कर रही है। तो हम महिलाओं ने ये ठाना है, अब इस योगी सरकार को दूर भगाना है। हमको महिलाओं क्या मिला? दहेज हत्या, बलात्कार, दुराचार, भ्रष्टाचार, गैंग रेप, बच्चियों का हत्या, ये दिया हमको भाजपा ने ज्ञापन देना। हमारी मांगे नहीं पूरी की, हम पूरी तरह से सड़क जाम करेंगे, बीच उसमें आएंगे, हम महिलाएं चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनको उखाड़ नहीं।